importance दिया गया है. It's not about like one or two people. It's about these four. You know, do you agree this is a good start in Bollywood? Though you started with a small screen, now you're coming up with a film club stuff. Yeah, right. Actually, I've started with small screen. I have done a lot of TV shows, and my last was Sanskar as the main lead on Colors channel. And this is my first movie, and I'm very excited about it. And this movie is basically Love Shagun is basically about friendship, about love. It's a rom-com, और इसमें ये चार दोस्तों की कहानी है और उनके लाइफ में कैसे उनके लाइफ कैसे ट्विस्ट और टर्न लेते हैं जब लड़कियाँ आती है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड इन दिस फिल्म. देयर आर थ्री गर्ल्स एंड देयर फोर बॉयज. सो इट वॉज रियली फन शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. एंड इट्स अ रोम-कॉम, आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये मूवी. सो मैं रोम-कॉम की अगर मैं बात करूँ तो हर यू नो हर दूसरे हफ्ते या हर महीने रोम-कॉम आती है. जी, किस तरह से अलग होगी ये रोम-कॉम, यू नो, हाउ डिफरेंट इट इज? या इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज जनरली रोम-कॉम एक ही कपल के अराउंड होती है, बट इसमें चार दोस्त हैं तो इट्स लाइक सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं. और सो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत फनी मोमेंट्स है. एंड सबकी लाइफ को इक्वली इम्पॉर्टेंस दिया गया है. इट्स नॉट अबाउट लाइक वन और टू पीपल, इट्स अबाउट दीज फोर फ्रेंड्स एंड द गर्ल्स हु कम इन टू देयर लाइफ. और उसके बाद कैसे उनकी लाइफ चेंज होती है, उसके उनके फ्रेंडशिप, उनके इक्वेशंस कैसे चेंज होते हैं, इसके ऊपर है. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट. आप जब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी. ओके, अभी हमने हमारे डायरेक्टर से बात की. डायरेक्टर ने ये कहा कि अलग अलग तरह का प्रेम देखने को मिलेगा. अलग अलग तरह का प्रेम देखने को मिलेगा. कहीं डिवोशन है, कहीं यू नो कुर्बानी है, कहीं सेक्स है. व्हाट वुड बी योर पार्ट इन दैट, यू नो, इन व्हाट फ्रेम ऑफ लव यू कम इन दैट? या आई कम इन द फ्रेम ऑफ डिवोशन. मैं जिससे प्यार करूंगी इस मूवी में, आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे वापस प्यार करता है या नहीं. वैसा मेरा लव है कि मैं, मुझे रिटर्न में नहीं चाहिए, मुझे बस उस इंसान की खुशी चाहिए. सो वो डिवोशन वाला पार्ट इज़ अबाउट माई लव. मैं शमा का रोल, शमा की रोल प्ले कर रही हूँ इस मूवी में. एंड सो शी वॉज वेरी इनोसेंट. एंड जब उसे प्यार हो जाता है जेडी से, एंड शी गेट्स कम्प्लीटली डिवोटेड टूवर्ड्स हिम. ओके, जमीन क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? और आप फिल्म रिलीज़ के दौरान है, यू नो, रिलीज की कगार पे है, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, या कहीं डर है? ये एक्चुअली बहुत मिक्स फीलिंग्स है. एज आई टोल्ड कि ये मेरी पहली मूवी है, सो डेफिनेटली मैं नर्वस भी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज़ हो और कैसा रिस्पॉन्स होगा लोगों का. बट इट्स अ यूथ ऑरिएंटेड फिल्म, सो आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगी. जैसे हमने बोला, इट्स लिटिल डिफरेंट और इट्स अ वेरी फन फिल्म एंड वेरी, यू नो, लाइट. एंड इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी. खास बात इस फिल्म की, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जो दो लोगों के बीच में होते हैं, अलग अलग इमोशंस हैं. और इक्वेशंस जो है हर चार दोस्तों के बीच में और जो लड़कियां हैं उनके बीच में, सो इट्स लाइक दैट इज़ द मेन USP, यू नो, द रिलेशनशिप इज एंड द फ्रेंडशिप इज द मेन USP. थैंक यू. थैंक यू.